कलकत्ता हवाई अड्डा से हुजाज कराम का पांचवा जत्था हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुआ, जिसमें मशरकी हिंद के बेशतर रियासतों और ख़ास तौर पर बिहार के बेशतर हुजाज कराम शामिल थे। लिहाजा उनकी हौसला अफजाई करने, उन्हें खुसूसी तौर पर अलविदा कहने और यहाँ के इंतजाम देखने के लिए कोलकाता आए बिहार के अकलती उमूर के वजीर जमान खान ने यहाँ के इंतजाम और हुकूमत मगरबी बंगाल के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चूँकि मैं बिहार से 9 बजे आया हूँ, मैंने जो देखा है यहाँ का व्यवस्था अच्छा था, लोग संतुष्ट थे, मेरे राज्य के भी लोग यहीं से गए और मैं जब पहुँचा हूँ अपने राज्य के अपने स्टेट के लोगों से मिला, खुशी हुई, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ हर व्यवस्था मिला उनको, संतुष्ट लोग थे। और मैं आप लोगों द्वारा मैसेज देना चाहता हूँ, चूँकि जिस राज्य से मैं आता हूँ, जो एक लोकप्रिय नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, जिन्होंने सारी व्यवस्था बिहार के लिए पहले से भी रखी थी, इससे पहले भी उन्होंने मीटिंग किए थे, हमारे चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, हमारे CEO साहब हैं, ये सब लोगों ने मिलकर इनकी भी व्यवस्था किया गया था वहाँ से आने का। यहाँ आने के बाद जो मैं आज मैं मिला हूँ लोगों से, वो लोग भी संतुष्ट थे और हम सब लोग संतुष्ट हैं। यहाँ की सरकार ने भी जो भी हमारे हाजी लोग वहाँ से आए थे उनके लिए व्यवस्था अरेंजमेंट उन्होंने किया था। मैं आपके द्वारा मैसेज देना चाहता हूँ, ये हज का मतलब एक मैसेज है कि पूरे देश के अमन अमन के लिए, चैन के लिए, शांति के लिए, अब भाईचारा मोहब्बत का एक पैगाम भी है, मोहब्बत के लोग गए वहाँ दुआ भी करेंगे। जितने भी हज के लोग जाते हैं, इसी तो आप जानते हैं, जाने के बाद सबके की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते, अपनी बात कम करते हैं, बल्कि देश की बात करते हैं। देश में रहने वाले, हिंदुस्तान रहने वाले, पूरी दुनिया के रहने वाले जो भी लोग हैं, किसी भी समाज वर्ग से आते हैं, उनके लिए दुआ की जाती है। जो दुआ यहाँ भी हुआ है, वहाँ भी दुआ की जाएगी। मैं मैसेज दूंगा कि सब लोग एक भाईचारा का संदेश दें, मिलजुल के रहें। कभी कभी अशांतियाँ होती है जो सुनने में आता है, ऐसे लोगों में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाईचारा पैदा करो, शांति, चूँकि हिंदुस्तान हम सब सबका है, हिंदुस्तान किसी एक वर्ग जाति का नहीं है। इतिहास गवाह है कि इस देश को सुधारने के लिए, संवारने के लिए और सबको, हम सबको अच्छा जगह पहुँचाने के लिए पूरे समाज के लोगों ने त्याग किया है और तपस्या किया है, कुर्बानियाँ दी हैं, तो मेरा देश तैयार हुआ है। बिहार से कितना लोग आए, आप कितना लोग? 1900 लोग बिहार से लगभग जाएगा लोग, अभी 2-3 और टाइम है, आज ही लगता है 370 लोग गया है। इंतजामिया कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग ठीक थे, अपने काम पे लगे हुए थे और जो भी स्टेट के लोग यहाँ पे आए थे, जिससे मैंने सुना उन लोगों के मुँह से, उन सबने कहा कि नहीं वो संतुष्ट हैं और अच्छा उन्होंने इंतजाम। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया करूँगा, उन्होंने जो अरेंजमेंट किया व्यवस्था के, सब संतुष्ट यही नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पार्टी जाति की बात नहीं है, यहाँ जो मैंने देखा है, यहाँ सुरक्षा था, सब कमेटी के लगे हुए थे, उनके अंग लगा हुआ था, ठीक अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री में क्या करते हैं, यही नहीं करते हैं। अब देखें बिहार के बारे में, आप सुनते होंगे, बड़ा प्रदेश है, लेकिन सबको लेकर चलते हैं, सबकी मोहब्बत की बात करते हैं, कभी जाति पार्टी और विपक्ष की बात नहीं किया, उन्होंने सबको लेकर चलने की बात की, ये अच्छी बात है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लोग जो गए हैं वो संतुष्ट हैं। अच्छी, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, पटना से। देखिए आज पटना और बिहार के जितने लोग हैं, बंगाल से उनकी फ्लाइट होने वाली है, कैसा लग रहा है, किस तरह के इंतजाम हैं? बहुत अच्छे इंतजाम है, कोलकाता हज भवन में भी बहुत अच्छा इंतजाम था, एयरपोर्ट में भी बहुत अच्छा इंतजाम है, हर वक्त का मील सब हमें मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। हज पे जा रहे हैं, हज पर देखने से तो समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा इंतजाम, बहुत सही ढंग का है, हम लोग काफ़ी यहाँ मदद कर रहे हैं लोगों की, अच्छी बात है। हम लोगों को महसूस हो रहा है कि हज कमेटी जो काम कर रही है, इसी खुशी के साथ आइंदा भी वो लोग करते रहेंगे और हाजियों के लिए कोई परेशानी के बात नहीं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।